भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का टाइम बचा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने मेगा इवेंट के लिए अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस टीम में अभी भी उनके पास 27 सितंबर तक बदलाव करने का पूरा मौका है। पिछले महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था। अब इसमें से 3 खिलाड़ियों को बाहर कर मेन टीम अनाउंस कर दी गई है। वनडे वर्ल्ड कप के खिताब को 5 बार जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में जिन 3 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली वो है तेज गेंदबाज एरन हार्डी, ऑलराउंडर नेथन एलिस और भारतीय मूल के स्पिनर तनवीर सांघा का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा जब 18 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ था तो उसमें मार्नस लाबुशेन को जगह नहीं मिलना सभी के लिए एक चौंकाने वाला फैसला था, जिनको इस 15 सदस्यीय टीम में भी शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वनडे वर्ल्ड कप की टीम में 4 तेज गेंदबाजों को जगह दी है, जिसमें कप्तान पैट कमिंस के अलावा जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और सीन एबॉट का नाम शामिल है। इसके अलावा टीम में एक स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर गिलन मैक्सवेल को जगह मिली है। वहीं 2 स्पिनर एश्टन एगर और एडम जैम्पा का नाम शामिल किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलने का मौका मिलेगा। इस सीरीज के जरिए वो अपनी टीम की तैयारियों को बेहतर तरह से परख सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये वनडे मुकाबले 24 और 27 सितंबर को खेले जाएंगे। वहीं वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला भारत के खिलाफ 8 अक्टूबर को होगा। अब ये रहे ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ियों के नाम जिन्हें टीम में जगह दी गई है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है कप्तान पैट कमिंस का, फिर स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिस, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कैमरून ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा और मिचेल स्टार्क। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप में इस स्क्वाड के साथ कितनी मजबूत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।